हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। MTS एंड हवलदार की पोस्ट के ऊपर नई भर्ती बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है। MTS क्या होता है? मल्टी टास्किंग स्टाफ। दोनों ही पोस्ट को कंबाइन करके आपका जो टोटल पोस्ट आएगा ना, 5000 से 12000 के बीच का आपको सीट देखने को मिल जाएगा। इन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर जाके आप डाउनलोड करके थोरॉट देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर SC ST कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और ऑल कैटेगरी, ऑल इंडिया की जो भी फीमेल है उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब रही बात की एज की लिमिट क्या होगी, सबसे पहले तो ये बताते चलूं कि किस डेट से कैलकुलेशन होगा एज का। एज ऑन 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार दो तरह के पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो MTS के लिए जो एज लिमिट है ना, 18 वर्ष से 25 वर्ष रहेगा। वहीं पर हवलदार की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। OBC को दिया जाएगा 3 वर्ष के लिए और SC ST को 5 वर्ष के लिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की बहुत अच्छी पोस्ट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ अब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या यहाँ पर मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है, जिन्होंने 10th पास कर लिया है, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, सिर्फ पास है आपने मैट्रिक तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए कि इतने अच्छे पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। फ्रेंड्स, MTS की पोस्ट के लिए सिर्फ आपका यहाँ पर 3 स्टेज है, लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए आपका 4 स्टेज है, क्योंकि उसमें फिजिकल भी होता है। MTS के लिए पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद उसको क्वालिफाई करोगे तब आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। वहीं पर हवलदार के लिए सेम ही एग्जाम में आपको बैठना होगा, वहां पे क्वालिफाई करोगे तो फिजिकल होगा। फिजिकल निकल जाने के बाद आपका DV और मेडिकल होगा, फिर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे। सारा कुछ तो आपने बेसिक डिटेल समझ लिया, अब मेन मुद्दा ये होता है कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा और एग्जाम का तिथि क्या होगा। फ्रेंड्स, आपका ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा 7 मई से, मतलब बस 1 महीने का समय है। तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए, मतलब कि 7 मई से फॉर्म अप्लाई होगा। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जून जुलाई में आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, तो समय काफी कम रहता है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर का सेट है या फिर मॉडल पेपर, अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम के वक्त आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। देखिए, 7 मई से 6 जून आपका फॉर्म अप्लाई होगा और एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। चलिए अब फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो एग्जाम होगा ना, उसका क्या यहाँ पर पैटर्न रहेगा। फ्रेंड्स, पेपर आपका होता है 90 मिनट का, 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। पहले हम लोग समझेंगे सेशन 1, क्योंकि पहले 45 मिनट के लिए सेशन 1 ओपन होता है, उसको कंप्लीट करोगे 45 मिनट बाद, आप इनकम्प्लीट भी हो अगर क्वेश्चन नहीं भी बनाया तो सेशन 2 ओपन हो जाएगा। सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग होता है और इसमें कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 40 प्रश्न 120 नंबर के लिए रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो मैथ के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन भी 60 मार्क्स के लिए। और ये आपको पता है कि क्वालिफाइंग है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 30% लाना है, तभी आप अगले सेशन के लिए आपका जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो तभी हो पाएगा जब आप इसमें 30% स्कोर करोगे। OBC EWS को 25% करना है और SC ST को 20% करना है, ठीक है।
अब सेशन टू क्या बात की जाए तो सेशन टू भी आपका 45 मिनट का होगा। इसमें आपको 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, और हाँ फ्रेंड्स दोनों ही सेशन में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेगा। अब सेशन टू में सब्जेक्ट का बात करें तो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले पोर्शन में, पहले सेशन में तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन टू में आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1 मार्क का हो जाएगा। सो आप, आई होप कि आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके नंबर से आपका सिलेक्शन तय होगा, लेकिन तभी आपका इसका मार्क्स कैलकुलेट होगा जब इसमें आप स्कोर इतना कर पाएंगे कैटेगरी वाइज। तब तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया, इसको क्वालिफाई करेंगे तो जो एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे बच्चे वो बस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, डीवी और मेडिकल हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हवलदार की पोस्ट के लिए जॉब करना, उनका एग्जाम के बाद फिजिकल होता है। तो आइए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया बता देती हूँ। सबसे पहले तो वॉकिंग का टेस्ट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर मतलब 1600 मीटर की वॉकिंग होगी, 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स को 1 किलोमीटर की वॉकिंग 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होता है, 157 सेंटीमीटर है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है 149.5 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट जो कैलकुलेशन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 81 to 86 मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपका वेट का कैलकुलेशन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, मिनिमम आपका 48 केजी वेट होना चाहिए। जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तब आपका क्या होगा, डीवी एंड मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर के बारे में तो आपको पता है कि एसएससी आपको नियर बाय 3 सिटी चूज करने का ऑप्शन देता है, वहीं पर एग्जाम होगा। रही बात की सर्विस कहाँ देना होगा, तो आपको जिस समय आप फॉर्म फिल करते हो उस समय ऑप्शन दिया जाता है चूज करने के लिए अपना प्रेफरेंस, वैसे ये ऑल इंडिया के लिए रहेगा। अब रही बात की सैलरी का क्या यहाँ पर है, फ्रेंड्स सैलरी लेवल 1 का मिलता है। एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका शुरुआती में 18,000 से 22,000, ये आपको स्टेट वाइज डिफर करता है कहाँ पे कितना आपको दिया जाएगा। हवलदार की पोस्ट के लिए 20,000 से 22,000 स्टार्टिंग में मिलता है। तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक और मेन पॉइंट ये है कि एसएससी की तरफ से जो नई वेबसाइट लॉन्च की गई है उसमें जाके आप ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर ले, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आई होप कि इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ जानना है इससे रिलेटेड तो कमेंट करिए, वहाँ पर क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब अपडेट की वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।